आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर शहरी विकास विभाग ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि 7,50,000 तिरंगा झंडा बांटने का लक्ष्य दिया गया है। उनका कहना है कि अमृत महोत्सव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में राष्ट्रीय का गौरव तिरंगा झंडा फहराने को कहा, वहीं उत्तराखंड में भी हर घर तिरंगा अभियान को ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। हमने हर घर तिरंगा, माननीय मोदी जी का जिस प्रकार से हम सबको आह्वान है, और वास्तव में अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। देश के आन बान शान का प्रतीक तिरंगा, उसको हम अपने घरों पे लगाएं, ऐसा हम सभी का संकल्प भी होना चाहिए। और मैंने अपने जो विभाग है, चाहे हमारा शहरी विकास से संबंधित होगा, वित्त से संबंधित होगा, आवास से संबंधित होगा, विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मैंने बैठक ली है और सभी से कहा है कि अपने अपने विभागों के माध्यम से मेरे पूरे प्रदेश के अंदर तिरंगा हर घर में लगे, उसमें हमारे जो मंत्रालय है उसके विभागों का भी योगदान होना चाहिए। और मुझे खुशी इस बात की कि मेरे सभी विभागों की तरफ से पूरे प्रदेश भर में 7,50,000 झंडे यानी तिरंगे, 7,50,000 तिरंगा, उसको हम लगाने का काम करेंगे। और मैं सभी से आपके माध्यम से आग्रह कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि ये 13, 14, 15 तारीख को अपने घर पे तिरंगा जरूर लगाएं। उन रणबांकुरों को, उन हमारे देश पे मर मिटने वाले लोगों को, ये उनको श्रद्धांजलि देने का भी दिन होना चाहिए। सबको प्रणाम भी हमें करना है तिरंगा जरूर।